हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 8.1 हिंट एंगल ए वी सी. एंगल वी इज 90 डिग्री, ए वी इक्वल 24 एंड बी सी 7 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड साइन ए कोस ए इन सेकेंड पार्ट, साइन सी कोस सी. हेयर टू साइड इज गिवन, ए बी and BC. But we have to also find third side by the help of Pythagoras theorem by PGT. Hypotenuse यानी AC का स्क्वायर is equal to AB का स्क्वायर plus VC का स्क्वायर. AC का स्क्वायर equal AB का स्क्वायर plus BC का स्क्वायर. AB is given 24 and BC is given 7. Whole square of 24 576. Whole square of 7, 49, 576 plus 49, 625, square root of 625 equal 25. Now, we have all three sides AC 25, AB 24 and BC 7 centimeter. We find sine A. Here angle is given A. Angle A is given, so this is base. अपोजिट ऑफ एंगल ए बी सी, बी सी इज परपेंडिकुलर. यानी जो एंगल आपको दिया हुआ होगा वो एंगल वाली साइड बेस होगी, उसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये फिक्स ही होगा. दिस इज फिक्स लाइन अपोजिट ऑफ 90 ऑलवेज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. बट एंगल साइड बेस एंड उस गिवन एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर. हियर साइन ए तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. साइन होता है साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी बी सी अपॉन ए सी. बी सी इज 7 एंड ए सी इज 25. नाउ कोस ए नेक्स्ट पार्ट, कोस ए अगेन ए वी इज बेस, बी सी इज परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेनस. कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन ए सी. ए वी इज 24, ए सी इज 25. अनदर वन साइन सी कोस सी. नाउ एंगल इज सी, तो दिस इज बेस, अपोजिट ऑफ सी ए बी इज परपेंडिकुलर. साइन सी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी. ए बी इज 24, ए सी इज 25. सो साइन सी 24 अपॉन 25. कोस सी, कोस सी, कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज ए सी 25. सो 7 अपॉन 25. दिस इज फर्स्ट सम. रिमेंबर दैट एंगल, गिवन एंगल इज साइड बेस, अपोजिट ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर, एंड अपोजिट ऑफ 90 ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. प्लीज रिमाइंड इट ऑलवेज. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम. Next sum, find tangent P minus root R. Given that right angle triangle PQR, where Q is 90 degree, PQ 12 and PR 13. Here not given QR by PGT, by PGT, by Pythagoras theorem, by PGT, PR का square is equal to PQ square प्लस क्यू आर स्क्वेयर. पी क्यू स्क्वेयर हमने फाइंड करना है, क्यू आर, क्यू आर स्क्वेयर रूट ऑफ पी आर स्क्वेयर माइनस क्यू पी माइनस पी क्यू स्क्वेयर. पी आर इज 13, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वेयर में से पी क्यू का स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्यू आर मिल जाएगा. तो 13 का स्क्वेयर, पी क्यू इज 12, 12 का स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ 13 169, स्क्वेयर ऑफ 12 144, 169 माइनस 144 इक्वल 25, स्क्वेयर रूट ऑफ 25 5. वी हैव टू फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर. टेंजेंट पी इज टेंजेंट पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पी एंगल टेंजेंट पी है तो इसका मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू. क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज 12, तो 5 अपॉन 12. अनदर वन कोट आर, कोट आर
रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट यानी बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर है तो ये आपका बेस है ये परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5/12, सब्ट्रैक्टर ऑफ दिस बोथ आर सेम सो इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स इज इट क्लियर नाउ? Now students, third sum of exercise 8.1, if sine A equal 3/4, calculate cos A and tangent A. First draw a right angle triangle in which A acute, V is 90, C is acute angle. It means less than 90 degree. Given that sine A equal 3/4, sine A perpendicular upon hypotenuse, here perpendicular is BC and hypotenuse is AC, BC upon AC equal 3/4. It means VC equal 3K, AC equal 4K, which is ratio. So we have attached one alphabet, yani mostly K, 3K and 4K. BC 3K, AC 4K. We have to find AB with the help of Pythagoras theorem, AC square, AB square, BC square, so AB square, AC square minus, इस साइड को दूसरी तरफ ले आओगे माइनस बी स्क्वायर, एसी आपके पास 4K स्क्वायर है और बीसी आपके पास है 3K, 4 का 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर, 16 माइनस 9 7K स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट AB इक्वल रूट 7K. Now we have to find cos A. Cos A होता है base upon hypotenuse. Base is AB, hypotenuse AC. AB upon AC. AB value of AB root 7K and value of AC. AC आपके पास है. AC हमारे पास है 4K. K से K cancel root 7/4. Similarly tangent A. Tangent A होता है perpendicular upon base. Perpendicular is BC और base AB, BC upon AB. BC is 3K और AB is root 7K, तो root 7K से K कैसे 3√7. थैंक यू स्टूडेंट्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय DAV. ओके.